Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास जियो सिम है तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि आपको जो है जियो सिम के अंदर जो है आपका डाटा जो 50% यूज होने के बाद आपको जो मैसेज आता है कि जो 50% डाटा है जो यूज हो गया है, और उसके बाद जो आपको 90% डाटा यूज होने के बाद आपको एक जो अलर्ट मैसेज आता है। तो फ्रेंड्स आपको फिलहाल दो मैसेज जो आपको मिलते हैं, एक 50% और एक जो है आपको 90% यूज करने के बाद हो गए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप माई जियो एप्लीकेशन से एक ऐसी सेटिंग भी कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने हिसाब से डेटा लिमिट सेट करके आप जो है अगर आप 30% पर क्लिक करोगे तो आपको जो है 30% डाटा यूज होने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा ओके। और अगर आप 20% पर क्लिक करोगे, 20% उस जो एप्लीकेशन के अंदर है जो सेटिंग है मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अंदर अगर आप 20% सेट करोगे तो आपको जो डाटा यूज होने के 20% यूज होने के बाद जो आपको एक अलर्ट मैसेज आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ये जो मैसेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंड्स इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर जो मेरे 20% डाटा यूज होने का जो मैसेज है वो आ गया ओके। 498 का जो मैंने रिचार्ज कराया है और ये मेरे जियो मोबाइल नंबर है, और उसके बाद जो 2 GB मुझे पर डे मिलता है, और 20% मेरे यूज होने के बाद जो है मुझे ये जो मैसेज है जियो की तरफ से वो मिल गया ओके। फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको बता दूँ ये 90% वाला भी मैसेज है, ये तो आपको जो परमानेंटली मिलता ही है ओके। तो फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में आपको इसी के बारे में जो जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप जो उसको सेलेक्ट कर सकते हो अपने जियो सिम के अंदर माई जियो एप्लीकेशन से। तो फ्रेंड्स अगर आपको माई जियो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं है तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर आपको माई जियो एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लेना है ओके। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन को चालू कर देता हूँ और यहाँ पर रिट्राई पर क्लिक करके माई जियो एप्लीकेशन को यहाँ पर जो है मेरे सबसे पहले जो है इंस्टॉल है, तो मैं इसको सुविधा यहाँ से ही ओपन कर लेता हूँ ओके। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना चेक यूजेस ये जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओके ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देंगे भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये जो सेटिंग वाला आइकन दिखाई दे रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है सेटिंग वाले आइकन पे। उसके बाद यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, डेटा यूजेज और शेष राशि ओके। तो डेटा यूजेज यहाँ पर मेरे 20% सेलेक्ट है, और मैंने आपको मैसेज भी बताया था कि 20% आपके डाटा यूज होने के बाद जो आपको मैसेज आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स यही आप यहाँ से हटाकर अगर आप 70% कर दोगे तो आपको जो डाटा है 70% यूज होने के बाद जो है आपको मैसेज आ जाएगा ओके। और 50 का तो वैसे ही आता है और 90 का वैसे ही जो है आता है हमारे डिफॉल्ट रूप से ओके। तो आप यहाँ पर जो है कोई भी जो डाटा जो लिमिट है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे फिलहाल मैंने आपको पहले बता दिया था मेरे जो है 20 पर ये जो डाटा की जो ये जो है सबमिट कर दिया, और उसके बाद ये जो सबसे पहले आपको ऊपर वाला आइकन भी आपको प्रेस करना होगा मेरी ये वाला ओके। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ 20 वापस, और उसके बाद क्या करना है यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है ओके, और ठीक पे क्लिक कर देना है यहाँ पर, उसके बाद वापस आपको पे कर देना है ओके। तो फ्रेंड्स अब जो आपका डाटा है जो अगर आपको 20% डाटा यूज होते जो आपको मैसेज आ जाएगा ओके। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतने, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं आपको बता दे दूँ कि यानी कि आपको 2 GB पर डे मिलता है तो 20% कितना होता है, यानी कि 400 MB हो गए। तो अगर आपका 400 MB यूज़ होगा तो आपको 20% का जो मैसेज है वो आपको मिल जाएगा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, उसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।